हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र कुमार और आपका स्वागत है हमारे चैन हैस अध्ययन एडवांस एक्सेल क्लासेस में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रेंज। रेंज में हम आज आपको ऑटो फिल करना सिखाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक्सेल ओपन कर लेते हैं। तो एक्सेल हम ओपन करते हैं, विंडो आर प्रेस करेंगे हम, और हमने यहाँ पे एक्सेल टाइप किया। तो ये हमारा एक्सेल खुल गया है। ये हमारा मेन्यू है, जैसे आपको बताया जाता हूँ, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। ये हमारा मेन्यू बार है और ये हमारे जो मैं क्लिक कर रहा हूँ ये सेल्स हैं। ये हमारा फॉर्मूला बार है। ये हमारे पास कॉलम्स, इसे हम कॉलम बोलते हैं, इसको हम रोज बोलते हैं। ये हमारे पास ये पूरी जो शीट है इसको हम स्प्रेड शीट बोलते हैं हम। तो चलिए हम आज रेंज में ऑटो फिल करना सीखेंगे। तो मैं आज आपको डिफरेंट डिफरेंट तरीके से ऑटो फिल करना सिखाऊंगा कि ऑटो फिल कैसे करते हैं, और उसका बड़ा ही अच्छा रोल है, बड़ा ही ज़्यादा यूजफुल है, क्योंकि इसमें क्या है कि आप टाइम को कंज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि आज के टाइम पे हमारे लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट है, प्रीसियस है, वो हमारे लिए है वक्त, टाइम। तो हम इसे कम से कम समय में, हम एक्सेल होता है इसलिए कि हम कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वर्क कर सकें और हमारे टाइम कंज्यूम करें, टाइम को सेव करें। तो आज हम सीखने जा रहे हैं रेंज में ऑटो फिल। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। तो हम ऑटो फिल कर रहे हैं, हमारा जो आज का टॉपिक है ऑटो फिल है। इसको हमने मर्ज एंड सेंटर कर लिया है ताकि आपको दिख जाए कि हम कर क्या रहे हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है कि आज हम ऑटो फिल कमांड सीखने जा रहे हैं। तो मैंने इसको बड़ा कर लिया है थोड़ा सा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम ऑटो फिल करना। जी, तो ऑटो फिल में जो सबसे पहला हमारा टॉपिक है वो है हमारा टेबल। तो पहले हम उसमें टेबल करना सीख लेते हैं। टेबल कैसे, देखो हम कैसे करते हैं टेबल। बड़े ही इजी तरीके से आप इसमें टेबल बना सकते हैं। टेबल, अगर आपको टेबल याद है तो ठीक है, अगर आपको टेबल याद नहीं है तो आप इसमें कैसे, देखिए बड़े आसान तरीके से टेबल क्रिएट कर लेते हैं बिना याद किए। बस आपको करना है क्या है कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर याद करना है। जैसे हमने 13 लिखा और हमें 13 का टेबल हमें आता है तो ठीक है, नहीं आता तो हम इसे 13 के टेबल को कैसे करेंगे। तो हमने 13 2 26, अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और दोनों को सिलेक्ट करने के बाद हम इसे ड्रैग कर देंगे। तो देखिए कितने आसान तरीके से हमारा 13 का टेबल आ गया है। 13 1 13 13 2 26 13 3 39। तो देखिए हमारे पास टेबल कितने इजी तरीके से हमने 13 का टेबल बनाया है। उसी तरह से कभी कभी होता है 29 का टेबल हो, अब 29 का टेबल हमें याद है कि नहीं है तो हम इसे इजिली 29 का टेबल बना लेते हैं। तो उसमें 29 टाइप करेंगे और उसके बाद आपको सेकंड डिजिट टाइप करनी है 29 2 कितना होता है, 29 2 58। तो देखिए हमारे पास कितने आसान तरीके से 29 का पूरा टेबल तैयार हो गया हमारे पास। बस आपको करना क्या है कि आपको बस उनकी दो डिजिट याद रखनी है कि 13 1 13 13 2 26। इतना भी अगर याद नहीं है तो प्लीज याद कर लीजिए आप, क्योंकि आपको टेबल बनाने बहुत ही आसानी रहेगी आपको। तो ये हमारे पास दो टेबल तैयार हो गए हैं। तो ये हमारे पास ऑटो फिल है। देखिए हमारे बड़े इजीली तरीके से हम किसी भी चीज़ को हम आसानी से कर दे रहे हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा काउंटिंग। काउंटिंग तो ईजी है, लेकिन अगर हमें कभी कभी क्या होता है सीरियल नंबर के लिए हमें काउंटिंग चाहिए होती है। अब सीरियल नंबर में आप 1 2 3 टाइप करेंगे तो क्या टाइम लगेगा। तो सीधा सीधा आपने क्या करना है कि आपने 1 टाइप करना है, 1 टाइप कीजिए और उसके बाद फिर आप 2 टाइप करेंगे और उसके बाद आप दोनों को सिलेक्ट कर लेंगे और सिलेक्ट करने के बाद आप उसको ड्रैग कर देंगे। देखिए हमारे पास यहाँ पे काउंटिंग भी तैयार हो गई है, यानी कि आपको बार बार टाइप करने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा आपने 1 और 2 लिखा और ड्रैग कर सिलेक्ट करा, इसको हम ड्रैग टूल बोलते हैं। जी आप बताया तो मैं आपको, देखिए हमारे पास जो ये जो साइन आ रहा है इसको हम सिलेक्ट टूल बोलते हैं। ये हमारे पास सिलेक्ट है और इसको हमने सिलेक्ट करा और ये जो है इस तरह का जो साइन आ रहा है ये हमारे पास ड्रैग टूल है और इसको हमने सिलेक्ट किया। और इसके बाद हमारे पास जो ये इस तरह का साइन आया, चलो मैं 19 मैंने छोड़ दिया, कोई नहीं। अब देखिए हमारे पास जो ये टूल मैंने आपको बता दिया, ये जो साइन है हमारे पास, ये साइन जो है, एक मिनट
थोड़ा सा माउस में प्रॉब्लम हो रही है। तो ये जो हमारे पास लेफ्ट और ये जो साइन आ रहा है इस तरह का, इसको मूव टूल बोलते हैं। इसको हम ऐसे करके हमने यहाँ पे लिया है, तो देखिए मूव हो गया, 19 वहीं पे रह गया ना, इसलिए हमने जान से छोड़ दिया था इसको। तो यहाँ से हम डिलीट कर देते हैं 19 को जी, ठीक है। अब हम करते हैं जैसे कि हमने मंथ और डेज नेम ले लेते हैं, कैसे आपको मंथ और डेज में कर लेते हैं। तो पहले हम ले लेते हैं डेज ले लेते हैं, हमने लिखा यहाँ पे मंडे M11। अगर हम शॉर्ट वे में लिखेंगे तो हम शॉर्ट वे में ही इसको कर पाएंगे। देखिए हमने यहाँ पे मंथ लिखा तो ये पूरा का पूरा मंडे ट्यूजडे वेंसडे आ गया। अगर हम इसे पूरा कम्प्लीट में लिखेंगे तो ये पूरा का पूरा कम्प्लीट में आ जाएगा। हमने लिखा यहाँ पे मंडे लिखा हमने यहाँ पे इसको हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। तो देखिए यहाँ पे मंडे ट्यूजडे पूरा कंप्लीट आ गया। उसी तरह सेम इसी तरह से जनवरी फरवरी मंथ है, हमने यहाँ पे लिखा जैन, और जैन को जब हमने ट्रैक करा और तो यहाँ पे हमारे पास इस तरह से आ गया। हम जनवरी फरवरी पूरा कंप्लीट लिखते हैं तो ये हमारे पास पूरा का पूरा कंप्लीट आ जाता है। तो ये है ना दोस्तों, कितना आसान कितना ईजी है। सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे टाइम को बचा रहा है, हमें मेहनत नहीं करनी पड़ रही कि हमें कितना टाइप करना पड़ रहा है। तो ऑटो फिल कमांड बहुत ही अच्छा कमांड है रेंज का। अब नेक्स्ट हम इसमें सपोज डैट कि आपके पास कई सारे आपकी शॉप है और आप कई सारे आपके उस शॉप में कई सारे आइटम्स हैं। अब आपको क्या करना है कि उसमें प्रोडक्ट लिखने हैं, तो आपने सिंपली अगर दिया प्रोडक्ट वन प्रोडक्ट टू कर दिया, आप चेंज भी करना चाहें तो चेंज कर सकते हैं। उसी तरह हम प्रोडक्ट लिखते हैं, हमने लिखा प्रोडक्ट वन। अब देखिए प्रोडक्ट वन लिखा और अब इसमें अच्छी बात यह कि इसको भी ड्रैग करेंगे तो आप ये भी देखिए प्रोडक्ट हमारे वन से लेकर हमारे पास नाइन, अभी टेन जो है इसलिए इंसो नहीं हो रहा क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा हमें बढ़ाना पड़ेगा। तो हम इस पर डबल क्लिक कर लेते हैं, यहाँ पे देखिए साइन इस तरह का साइन आएगा, यहाँ पे हम डबल क्लिक कर सकते हैं या तो हम इसको ऐसे करके खींच भी सकते हैं, ड्रैग कर सकते हैं या डबल क्लिक कीजिए अपना आप एडजस्ट कर लेगा। अब सीट नंबर टू पे आते हैं ताकि मैं इसमें ऑटो फिल में और भी कुछ करा सकूँ। या तो मैं ऐसा करता हूँ कि इसको सबको मैं डिलीट कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। अब मैं उसके बाद अब आपको सिखाता हूँ कि अब हमने करना है डेट को लेकर। तो डेट हमारे पास दो तरह के हमारे पास है, एक में डेट चेंज करना ऑटो फिल में और एक मंथ चेंज करना। तो देखिए हम डेट तो आपको सिंपली डेट चेंज करती है, लेकिन मंथ के लिए आपको क्या करना होता है वो मैं आपको सिखाता हूँ क्योंकि यही हमारे लिए सबसे अच्छी खास चीज़ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे पहले देखिए यहाँ पे ये आपको जो सबसे पहले जो हमारे पास लेता है ये मंथ लेता है, मंथ के बाद डेट और डेट के बाद ईयर। तो हमने यहाँ पे पहले आपको याद रखना होगा पहले हमें यहाँ मंथ लेना है, मंथ उसके बाद डेट। हमारे पास देखिए हमारे पास डेट जो है 15th of April 2020 है, तो हमने यहाँ पे टाइप किया और उसके बाद इसका साइज थोड़ा सा यहाँ से हमने क्लिक करके साइज थोड़ा सा बढ़ा लिया हमने इसको और इसको हमने सेलेक्ट किया और इसको हमने क्या कर दिया, ड्रैग कर दिया। अब यहाँ पे आप सब देखेंगे कि देखिए यहाँ पे डेट चेंज हो रही है, मंथ तो देखिए 4-4 यानी कि अप्रैल का शो हो रहा है लेकिन चेंज क्या हो रही है, डेट चेंज हो रही है। इसको अगर आप पीछे और भी ड्रैग करेंगे तो देखिए यहाँ पे 30 यानी कि मार्च का जो मंथ मार्च जो होती है हमारे पास 30 का महीना होता है, 31 का होता है आई थिंक, मार्च 31 का और अप्रैल जो है वो 30 का होता है, ठीक है बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट है। तो 30 का होता है हमारे पास अप्रैल, तो देखिए 30 के बाद सीधा उसने चेंज कर दिया यानी कि 1 मई कर दिया। 3 तारीख को हमारा लॉकडाउन भी खत्म हो रहा है हमारा, देखिए क्या होता है क्योंकि इस टाइम में बड़ी कठिनाई वाली घड़ी चल रही है लॉकडाउन की वजह से, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बिजनेस ठप हो रहा है हमारा और काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसी लॉकडाउन को देखते हुए मैंने क्या सोचा कि चलिए क्यों ना आपको कुछ अच्छी अच्छी चीज़ सिखाई जाए ताकि आप सीख कर उन सभी को इजीली अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और कुछ नया खास सीख सकते हैं। देखिए अभी हम यहाँ पे मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, यहाँ पे हमने डेट चेंज करा और जैसे ही हमने 30 की बात करा तो देखिए मंथ चेंज हो गया। लेकिन आप चाहते हैं कि भाई कभी कभी क्या होता है कि आपको डेट की जगह मंथ चेंज करना होता है, डेट वही रहेगी मंथ चेंज होगा क्योंकि नीड पड़ जाती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि इसको जाकर हम यहाँ पे से हम इसको चेंज करें, यहाँ पे हमारे पास 15-16 आ रहा है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ऑटो फिल ऑप्शन पे और यहाँ पे जाके आप क्या करेंगे फिल मंथ पे क्लिक कर देंगे। जब से भी क्लिक करेंगे तो इसको हम ड्रैग करेंगे तो देखिए कि आपके पास जो है अब डेट तो वही है, मंथ चेंज हो रहा है, मंथ यानी कि अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सेप्टेम्बर अक्टूबर नवम्बर दिसंबर देन जनवरी, देखिए जनवरी की 15 आ रही है, यानी डेट अब बिल्कुल ही सेम है और मंथ चेंज हो रहे हैं। अभी 20 बाद सीधा क्या गया, 21 हुआ ना। तो ये था हमारे पास डेट और मंथ को चेंज करने का तरीका। अब हम करेंगे टाइम, तो चलिए टाइम को करते हैं। तो प्लीज़ देखिए आपको हमारी वीडियो काफ़ी अच्छी लग रही होगी, रोमांचक लग रही होगी, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कॉमेंट बॉक्स पर कॉमेंट करें
और बेल नोटिफिकेशन प्लीज जरूर क्लिक करें। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि आपको मैं इस लॉकडाउन की स्थिति में, लॉकडाउन की जो समस्याएं, जो प्रॉब्लमें चल रही हैं, घर बैठे बैठे मैं आपको कई चीज़ें सिखाऊंगा एक्सेल में। तो चलिए अब हम टाइम को चेंज कर लेते हैं, तो इसको भी सेम हम ट्रैक करते हैं। तो देखिए ट्रैक करते ही हमारे पास ये टाइम भी चेंज हो गया है, यानी कि 6 बज गए, 7 बज गए जी, 8 बज गए, 9 बज गए और सुबह के 11 बज गए। हम जैसे इसको नीचे की तरफ ट्रैक करते हैं तो अब हमारे पास 2 बज रहे हैं जी। मैं ये 2 बजे में अपनी वीडियो बना रहा हूँ, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 तक इसको स्टॉप कर दिया है। अब इसको अपलोड करना बाकी है, मैं इसको अपलोड भी करूँगा और जिस टाइम अपलोड करूँगा उस टाइम पे शायद आपको भी टाइम मिल जाएगा। तो इसको मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इसको और नीचे तक ट्रैक कर देता हूँ, ताकि आपको जिस टाइम भी आपको मिले वीडियो, ताकि आपको उस टाइम शो हो जाए। थैंक यू गाइज। अब उसके बाद हम जो स्टार्ट करते हैं फिबोनाची सीक्वेंस को। तो फिबोनाची सीक्वेंस देखो होता क्या है कि ये एक डिजिट को प्लस करता है, जैसे कि 1 है, 1 के बाद फिर 2 है, फिर 1-2 को प्लस करता है, ये 3 कर देता है, फिर 2-3 को प्लस करता है, 5 करता है। इसी सीरीज को हम बोलते हैं फिबोनाची सीरीज। ये हमारे पास एरे की प्रोग्रामिंग होती है, इसमें काफ़ी यूजफुल है ये, और कई मैथमेटिकल इसमें यूज होते हैं, ये फंक्शन प्रोग्राम जो यूज होते हैं उनमें यूज होता है फिबोनाची सीरीज। तो आज मैं आपको ये भी करा देता हूँ फिबोनाची सीरीज। तो चलिए इसको फिबोनाची सीक्वेंस के यानी सीरीज को कर लेते हैं हम। इसमें यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं, सॉरी यहाँ पे डबल क्लिक कर लेते हैं और इसको दोनों को ड्रैग करें, इसको सिलेक्ट करेंगे हम इसको, और सिलेक्ट करने के सिलेक्ट कर लेते हैं उसे, सॉरी सिलेक्ट नहीं कर रहे हम यहाँ। चलिए हम सिलेक्ट करने से अच्छा है कि हम इसको, हम इसमें एक फॉर्मल लगा लेते हैं ताकि इसको आसानी से कर सकें। तो हमने इसको कह रहा कि जो 0 है उसको हमने सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद हम यहाँ पे प्लस का साइन लगा देंगे, उसके बाद हमने फिर उसके बाद 0 का हमने 1 को सिलेक्ट कर लिया और प्रेस एंटर। तो यहाँ पे हमारे पास देखिए इसने क्या करा है कि इससे और इजी हो जाएगा हमारे लिए। तो हमने यहाँ पे देखिए 1 ही आ रहा है क्योंकि दोनों प्लस करा है। अब इसको हमने ड्रैग करेंगे, तो ड्रैग करते ही देखिए क्योंकि इसको नंबर को ना प्लस करता चला जाएगा। नीचे हम ड्रैग करेंगे, देखिए ड्रैग करें ना तो धीरे आ रहा है, इसको पूरा का पूरा हम इसको नीचे तक ड्रैग कर लेंगे। ये हमारे पास पूरा का पूरा फिबोनाची सीरीज हमें उपलब्ध हो चुका है, हमें दिख रहा है। ये बहुत ही अच्छा कमांड है मैथमेटिकल यूजर्स के लिए और जो प्रोग्रामिंग जो करते हैं सीखते हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल कमांड है फिबोनाची सीरीज। अब हम देखें, हमने तो ये सब काफ़ी चीज़ें सीखी, हमने टेबल सीखी, हमने यहाँ पे प्रोडक्ट सीखे, डेट मंथ चेंज करना सीखा, डेज ये सब हमने चेंज करना सीखा। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि हम खुद की लिस्ट तैयार करना चाहें। भाई होता क्या है कि हमने प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट 2 तो हमने बना लिए जी, अब हम चाहते हैं कि अपने प्रोडक्ट के अनुसार या अपने नेम, सपोज डैट कि आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आपका स्कूल है, कोई स्टाफ है, आप चाहते हैं कि अपने जो नेम है जो आपके पास अवेलेबल है उन नेम के अकॉर्डिंग कोई लिस्ट तैयार करना चाहते हैं, तो कैसे लिस्ट तैयार करते हैं चलिए हम उसको भी सीखते हैं। थोड़ा एडवांस लेवल पर है ये, चलिए मैं यही आशा करता हूँ कि भाई आपको अच्छी से अच्छी वीडियो मिल सके हमारे आपको। तो देखिए मैं यहाँ पे फाइल पे क्लिक करता हूँ, फाइल पे क्लिक करने के बाद मैं ऑप्शन पे जाता हूँ, ऑप्शन पे जाने के बाद मैं एडवांस पर आऊँगा, एडवांस पे क्लिक करने के बाद मैं एडिट सेल पर क्लिक करूंगा। एडिट सेल देखिए हमारे पास नीचे मिलेगा, ड्रैग करेंगे हम यहाँ पर और देखिए यहाँ पे हमारे पास एडिट कस्टम लिस्ट है हमारे पास। अब इस एडिट कस्टम लिस्ट पे क्लिक करने के बाद हमने यहाँ पे न्यू लिस्ट है, तो दिख रही होगी आपको न्यू लिस्ट। अब न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर अपना एक लिस्ट जनरेट कर लेंगे। इसलिए हमारे सपोज डैट कि हम प्रोडक्ट को नहीं चल लेते हैं कि भाई हमारे पास जनरल स्टोर है, इस टाइम जनरल स्टोर ही खुल रही है और सारी स्टोरेज तो बंद है, सारे स्टोर्स बंद हैं क्योंकि हमारे पास जो नीडी वस्तुएं हमारे पास वही हमें अवेलेबल होंगी। तो चलिए हम ले लेते हैं राइस, तो मैं थोड़ा सा कैटलॉग ऑन कर लेता हूँ उसमें राइस, फिर एंटर प्रेस करा वीट, यहाँ पे मैंने ले लिया सोप, सोप भी बहुत जरूरी है हमारे पास। फिर हमने सोप के बाद हमने ले लिया डिटर्जेंट, उसके बाद हमने कुछ बिस्किट्स ले लिए हैं, बिस्किट्स ले लिए, उसके बाद हम कोल्ड ड्रिंक ले लेते हैं, ठीक है जी हमने यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक ले लिया है। तो अभी फिलहाल इतने आइटम लेते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं कि ऐड कर लेते हैं इसे, ऐड पे क्लिक करेंगे हम यहाँ पे, ऐड पे क्लिक करने के बाद हम इसे ओके कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट तैयार हो गई है। देखिए आपको जितनी भी लिस्ट यहाँ पे तैयार करनी है, मैंने भी छोटा कराया है क्योंकि नेम भी याद नहीं आ रहे हैं, वैसे आप जनरली नेम यहाँ पे टाइप कर लीजिए जो भी आपको याद है। तो
हमने यहाँ पे ओके प्रेस किया। अब हमारे पास ये, हम इसको दोबारा आ गए, ओके प्रेस करेंगे। अब इसको करने के बाद हम यहाँ पे जो भी है, यहाँ पे हम इसको ड्रैग करेंगे। इसको आप देखिए, मैंने यहाँ पे जैसे कि राइज लिखा और इसको जो हमने फर्स्ट नेम लिया था उसका राइज लिखा, उसको सीधे सीधे ड्रैग कर दिया। तो देखिए हमारे पास वो लिस्ट तैयार हो गई है जी। तो ये है हम अपने अकॉर्डिंग, यानी जो भी हमारे पास आइटम्स हैं, हमारी शॉप है या कुछ भी स्टूडेंट्स के नेम है, यानी हमारे पास जो भी हम लिस्ट तैयार करना चाहते हैं। तो सबसे अच्छा ये है कि भाई इसको आपको बार बार टाइप करने से अच्छा है कि आप सिंपली एक ही बार एक अच्छी सी लिस्ट तैयार करके रखें और उस फर्स्ट वर्ड को जो आपने लिखा हुआ है उसको आप टाइप करें और ड्रैग कर दें, तो आपकी लिस्ट आपको अवेलेबल होती चली जाएगी। देखिए अभी तो मैंने यहाँ पे लिखा है, दोबारा मैं लिखता हूँ RICE, कहीं भी आप जैसे जो, क्योंकि लिस्ट अभी तैयार हो चुकी है आपकी। अब इसको आप जैसे ट्रैक करेंगे तो आपके पास वो सारी की सारी लिस्ट दोबारा से जनरेट हो जाएगी। तो ये सीखा आपने खुद का एक लिस्ट तैयार करना। इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल का नाम हैज़ अध्ययन एडवांस एक्सेल क्लासेस। हम इसमें एक्सेल की क्लासेस आपको अवेलेबल करवाते रहेंगे। हमारा एक और चैनल है जिसमें हम कंप्यूटर की वीडियो और भी डालते हैं, उसमें हमारे डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस की वीडियो डलती है, जैसे कि फोटोशॉप, कोरल ड्रॉ और एमएस वर्ड, टैली, जो भी व्हाटएवर, जो भी हमारे पर टेक्निकल जो वीडियोस होती हैं वो सारी सारी डलती हैं। तो प्लीज़ हमारे चैनल सब्सक्राइब कराना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।